जय माता दी, नमस्ते। तो आज की इस वीडियो में हम लोग महालक्ष्मी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे पुरुषोत्तम, अपने नष्ट स्थान की पुनः प्राप्ति कराने वाला और पुत्र आयु सर्वस्व तथा मनोभिलाषित फलप्रद कोई एक व्रत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, कृतयुग सतयुग के आदि में जीर्ण जिस समय दैत्यराज वृतासुर ने देवताओं के स्वर्ग लोक में प्रवेश किया, उस समय इंद्र ने भी यही प्रश्न नारद मुनि से किया था। इंद्र के पूछने पर नारद जी कहने लगे कि हे इंद्र, सुनो, पूर्व समय में अत्यंत रमणीय पुरंदपुर नाम का एक नगर था। उसकी भूमि रत्नों से युक्त थी और पर्वत भी रत्नों से भरे हुए थे। वह नगर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का उत्पत्ति स्थान होने कारण संसार का भूषण स्वरूप था। उस नगर में मंगलमय मंगल नामक राजा राज्य करता था। उसके महादुर्भागा चिल देवी और यशस्विनी चोल देवी, ये दो रानियां थी। एक समय राजा मंगल चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। उस जगह को देखकर अति प्रसन्नचित हो राजा ने चोल देवी से कहा कि हे चंचलाक्षी, मैं तुम्हारे लिए नंदन वन को भी लजाने वाला एक बगीचा बनवा दूंगा। राजा के वाक को सुनकर रानी ने कहा कि हे कांत, ऐसा ही कीजिए। उसी के अनुसार राजा ने उस स्थान पर बगीचा बनवा दिया। वह बाग थोड़े ही समय में अनेक वृक्ष लता फूलों और पक्षी गणों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में विकराल शरीर से युक्त मेघतुल्य काला एक सुकर आ गया। वह अपनी दाढ़ों से सूर्य चंद्र को भी खींच सकता था। गर्जन में वह प्रलय काल के मेघ सदृश था। उसके आकार अनेकों वृक्षों को तोड़ मरोड़ डाला और उस उद्यान को चौपट कर दिया। हे युधिष्ठिर, उस सुकर ने किसी वृक्ष को जड़ से उखाड़ा, किसी को दांतों से तोड़ा, किसी को दांतों की रगड़ से ही तोड़ दिया। काल के समान उस सुकर ने कई रखवालों को मार डाला। तब बगीचा के रक्षक भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। यह बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। राजा ने निजी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर उस सुकर को मार डालो। तदंतर राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चले। वह सेना अश्व समूह रूपी वस्त्र से ढकी हुई पृथ्वी को हिलाती तथा रथों की शीघ्र गति से उत्पन्न पवन से संपूर्ण सैनिकों को कांपाती तथा पैदल सेना सबसे दिशाओं को पूरित करती हुई बगीचे के नजदीक पहुंची और उसे चारों ओर से घेर लिया। अपने उच्च घोष से दसों दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ राजा बोला कि जिसके रास्ते से यह शुक्राधम निकल जाएगा तो मैं उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। राजा के वचन सुनकर सुकर जिस मार्ग से राजा खड़े थे उसी मार्ग से निकल गया और राजा कोड़े से अपने घोड़े को मारते ही रह गए। राजा लज्जा से चंद्रवत कलंकित होकर सुकर के पीछे पीछे सिंह बाघों से युक्त घोर वन में जा निकला। उस वन में तमाल, ताल, हिंताल, साल, अर्जुन आदि के वृक्ष थे। वहाँ विविध लताएं थी, झीलियों की झंकार से दसों दिशाएं मुखरित हो रही थी। राजा उस घोर वन में एकाग्र मन से उस सुकर को ढूंढ रहा था। एकाएक सुकर से उसका सामना हो गया। तब राजा ने बाण से जैसे ही सुकर को घायल किया, वैसे ही बाण के लगते सुकर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व रूप धारण कर विमान पर जा बैठा। गंधर्व बोला कि हे महिपाल, आपका कल्याण हो, आपने मुझे सुकर योनि से छुड़ाया, अतः बड़ी कृपा की। अब मेरा वृतांत सुनिए। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे हुए बैठे थे और मैं उनको तरह तरह के स्थान व गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते मैं ताल स्वर में भ्रष्ट हो गया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने मुझे चित्ररथ गंधर्व को श्राप दे दिया।
ब्रह्मा जी ने कहा, तू पृथ्वी पर सुकर होगा। जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय तू सुकर योनि से छुटकर फिर इस अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। अतः एव हे महापते, मैं इस योनि में आया था। आज आपके हाथ से मरकर मैं सुकर योनि से छूट गया। अब मैं प्रसन्न होकर देवताओं को भी दुर्लभ एक वर आपको देता हूँ, उसे आप स्वीकार कीजिए। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला यह माँ लक्ष्मी व्रत है। इसे करके आप सर्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्न होकर अपनी राजधानी को जाइए। नारद जी कहते हैं कि चित्ररथ गंधर्व राजा मंगल से यह कहकर शरत काल के मेह के समान तक्षण अंतर ध्यान हो गया। राजा मंगल जेव ही चलने को हुआ, तेव ही बगल में मृग छाला लिए एक ब्राह्मण बालक को देखा। राजा ने मुस्कुराकर बालक से कहा कि हे बटो, देव, दानव, गंधर्व, राक्षस, इनमें से आप कौन है? आप सच सच कहिए, ऐसे घोर जंगल में आप किस लिए आए हैं? राजा के प्रिय वचन सुनकर बटू ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे राजन, मेरा जन्म आप ही के देश में हुआ है। मैं आप ही के साथ साथ यहाँ आया हूँ। मेरे योग्य यदि कोई कार्य हो तो आप बतलाइए। राजा ने कहा कि आज से मैं आपको नूतन कहूँगा। हे बटो, अगर यहाँ कोई तालाब हो तो उसमें से मेरे लिए थोड़ा जल लेकर आइए। राजा के वचन सुनकर बटू ने राजा को एक बरगद की छाया में बैठा दिया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर पक्षी कणों का शब्द सुनता हुआ चल पड़ा। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर उसे एक अति रमणीय तालाब दिखाई दिया। वह तालाब वायु के सैकड़ों यत्नों को निष्फल करने वाला, विष रहित अगस्त्य मुनि के पिपासा को शांत करने वाला, समुद्र से भी अधिक गंभीर, शीतल मंद सुगंध, वायु युक्त स्वच्छ जल से पूर्ण था। उसके निकट वह बटू घोड़े को लेकर ज्यों ही गया त्यों ही कीचड़ में धस गया। वह घोड़े से उतर कर चारों ओर देखता हुआ तालाब के निकट पहुंचा, तो वहां उसने कई स्त्रियों का झुंड देखा। अनेक दिव्यांबरों को धारण किए दिव्य अलंकारों से युक्त होकर स्त्रियां कथा कह रही थी। तदंतर वह उन स्त्रियों के पास जाकर अपना वृतांत बताता हुआ कहने लगा। बटू ने कहा कि हे स्त्रियों, बड़ी भक्ति भाव से यह आप क्या कर रही हैं? इसकी क्या विधि है और इसे करने से क्या फल होता है, वह मुझसे बताइए। बटू के वचन सुन दया भाव से प्रेरित होकर वे स्त्रियां कहने लगी कि हे विप्र, तुम एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति से कथा सुनो। जो माया प्रकृति और शक्ति आदि नाम से त्रिलोक में प्रसिद्ध है, उसी महालक्ष्मी का यह व्रत है। हे बटू, इसकी विधि इस प्रकार है। इसका परम भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से किया जाता है। उस दिन प्रातः काल उठकर 16 बार हाथ पांव और मुख धोकर 16 तंतुओं से निर्मित तथा 16 ग्रंथि से युक्त एक डोरी बनाकर उसे चमेली के पुष्प, कपूर, चंदन, अगर आदि सुगंधित पदार्थों से पूजा कर महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र से उसके 16 ग्रंथियों को अभिमंत्रित करें और कहें कि हे महालक्ष्मी, धन, धान, पृथ्वी, धर्म, कृति, आयु, श्री, घोड़ा, हाथी और पुत्र आदि यह सब मुझे प्रदान करिए। इस प्रकार प्रार्थना करके उस डोरे को दाहिने हाथ में बांधे और अक्षतों के साथ 16 दूब के पौधों को हाथ में लेकर एकाग्रचित होकर कथा सुने। जल में दूब को भिगो भिगो कर अपने सिर, हाथ तथा पैरों पर मार्जन करें। भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी से अश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तक 16 दिन नित हाथ में अक्षत लेकर कथा सुने। 16वें दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी को सायंकाल के समय जितेंद्रिय हो स्नान कर सफेद कपड़े पहनकर पूजा घर में जाएं। वहां पर पूर्वाभिमुख हो पवित्र आसन पर बैठ कर अष्टदल श्वेत कमल बनावें। कमल दल के किनारे इंद्रादि शक्तियों को लिखे हैं। कर्णिका में श्वेतांगी, श्वेत वर्णावली, श्वेत पत्र, मोतियों से अलंकृत कमलासना, हास्य युक्त कमलवत मुख वाली,
शरद चंद्र के तुल्य कांतिमन थी। चतुर्भुजा दो हाथों में कमल लिए अभय दायनी दोनों ओर से हाथियों के सूढ़ों से जल से सींचती हुई अटल छत्र युक्त महालक्ष्मी का ध्यान करता हुआ कपूर अगर और चंदन से महालक्ष्मी की पूजा करें। उनका आवाहन करके कहें कि हे महालक्ष्मी विष्णु के स्थान से तुम यहाँ आओ। हे देवी आप ही के निमित्त मैंने यह सुरोपचार पूजन की सामग्री जुटाई है। हे विप्र व्रति 16 दिन पूरा होने पर किसी विधि से उद्धापन करें। वह भी सुनो सुवर्ण के श्रृंग से युक्त गौ तथा सुवर्ण आदि किसी विद्वान और वेदपाठी ब्राह्मण को दान कर दे। तदंतर यथाशक्ति दान देने से यह व्रत पूर्ण होता है। साथ साथ ब्राह्मणों को वस्त्र आदि भी दान देना चाहिए। इस प्रकार विधि विधान बताकर के स्त्रियां बोली कि हे विप्र सब व्रतों में उत्तम यह व्रत हमने तुमसे कहा है। इसके करने से मनवांछित फल अनायास प्राप्त हो जाता है। हे विप्र तुम इस उत्तम व्रत को करो और अजसे भी कराओ। यदि कोई अन्य श्रद्धावान पुरुष मिल जाए तो उससे कहो और उससे भी व्रत करवाओ। हाँ नास्तिकों के समक्ष यह व्रत कभी मत कहना। स्त्रियों के वचन सुनकर ब्राह्मण बालक उस स्त्रियों को नमस्कार कर और घोड़े को कीचड़ से निकाल कर और उसे पानी पिला कमल के पत्ते में राजा के लिए जल ले और घोड़े पर चढ़कर राजा के पास आया। राजा को जल देकर उक्त व्रत का महात्मय राजा से कहा और अनेक भांति की सामग्री जुटाकर उस व्रत को राजा से करवाया। वह मंगल राजा एवं बटु इस व्रत के प्रभाव से राजाओं में श्रेष्ठ राजा हुआ। वह राजा मंगल घोड़े पर सवार होकर अपने नगर के समीप जा पहुंचा। राजा को आते देखकर पुरवासी तुरही आदि बजाओं को बजाते हाथों में बड़ी बड़ी ध्वजाओं और तथा माला को लिए कलशों को सिर पर रखे और घंटा आदि बजाते हुए आए। उस समय वह नगर अत्यंत सुशोभित था। मार्ग में रूपवती स्त्रियां राज दर्शन के लिए निमित दौड़ कर उपस्थित हुई। इनको दर्शन देते देते राजा मंगल उस ब्राह्मण के सहित अपने महल के निकट पहुँचे। घोड़े से उतर कर महाराज मंगल अपनी पटरानी चोल देवी के महल में गए। जाते ही रानी ने राजा के हाथ में एक डोरा बांधा देखा। इस पर रानी ने अत्यंत क्रोध करके कहा कि मालूम होता है राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गया था। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने हाथ में यह डोरा बांध रखा है। उसी का भेजा हुआ ब्राह्मण बालक भी मुझे देखने आया है। ऐसा विचार करके चोल देवी ने राजा के हाथ में बंधा डोरा तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। राजा मंगल भी सामंत मंत्री तथा अनुभितों के साथ वन की बातें कर रहा था। इसी कारण राजा ने रानी को डोरा तोड़ते नहीं देखा। संयोग बस उसी समय चिल देवी की एक दासी वहां कुछ कहने आई थी। उसने वह डोरा उठाकर उस ब्राह्मण बटू से उसका कारण और व्रत पूछा। तब दासी ने चिल देवी के पास जाकर वह व्रत बताया और ब्राह्मण बटू को बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी का व्रत किया। एक वर्ष बाद महालक्ष्मी पूजन के दिन चिल देवी के महल में बजाओं का शब्द हुआ और यह शब्द राजा मंगल ने भी सुना। जब राजा को महालक्ष्मी के व्रत की याद आ गई और वह ब्राह्मण बटू से कहने लगा अरे आज महालक्ष्मी की पूजा का दिन है मेरा वह डोरा कहाँ है। यह पूछने पर बटू ने चोल देवी के द्वारा डोरा तोड़े जाने का हाल कहा। वह सुनकर राजा चोल देवी पर अत्यंत कुपित हुआ और कहने लगा आज से चिल देवी के ही घर में पूजा करूंगा। इसी कारण इसी समय राजा ब्राह्मण बटू को लेकर लक्ष्मी जी के पूजार्थ चील देवी के घर में गया। उसी समय लक्ष्मी जी एक वृद्धा स्त्री का रूप धारण कर परीक्षा के लिए चोल देवी के महल में गई। चोल देवी वृद्ध रूप धारणी लक्ष्मी जी से कहने लगी अरे दुष्टे तू यहाँ से शीघ्र चली जा मेरे घर में आने से तेरा क्या लाभ है। दुष्टा चोल देवी से अपमानित महालक्ष्मी चोल देवी को श्राप देती हुई कहने लगी तूने मेरा अनादर किया उसके प्रतिकार के लिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू सुकर मुखी हो जा और यह मंगलपुर कोल्हापुर हो जाए। तभी से वह नगर कोल्हापुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी वहाँ से चलकर उसी भेष में चिल देवी के घर में आई।
तो वहाँ पर लक्ष्मी जी की अनेक प्रकार से सम्मान पूर्वक पूजा हुई। पूजन की बाद लक्ष्मी जी ने वृद्ध रूप छोड़कर सत्य रूप धारण किया। तब चिल देवी ने पंचोपचार से भली भांति उनका पूजन किया। इस पर महादेवी ने प्रसन्न होकर चिल देवी से वर मांगने के लिए कहा। श्री लक्ष्मी जी बोली कि हे चिल देवी, तुम्हारे पूजन से मैं अति संतुष्ट हूँ, हमसे तुम जो चाहो वह वर मांगो। चिल देवी ने कहा कि हे सुरेश्वरी, आपका उत्तम व्रत जो करे उसका घर जब तक सूर्यचंद्र तब तक आप न त्यागे हाथ से, इससे राजा की संसार में प्रसिद्धि हो। और हे देवी, आप मेरी अचल भक्ति सदैव बनी रहे। जो यह कथा सद्भाव के साथ पढ़े या सुने उनको आप सदा मनोभिलाषित फल दें। तब लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद राजा मंगल ने भी आकर चिल देवी के साथ परम भक्ति भाव से लक्ष्मी जी की पूजा की। उसी समय इस्याबस चोल देवी भी चिल देवी के महल में आई। यद्यपि द्वारपालों ने उसे आने से मना किया, फिर भी वह नहीं मानी। वहाँ की गतिविधि देखकर चोल देवी के मन में न जाने क्या आया कि वहाँ से सीधे अंगिरा ऋषि के स्थान से सुशोभित घोर जंगल में चली गई। महर्षि ने चोल देवी की विचित्र आकृति को देख ज्ञान दृष्टि से विचार करके उसके द्वारा महालक्ष्मी का व्रत कराया। उस व्रत के करने से चोल देवी महा यशस्विनी हो गई। एक समय राजा ने शिकार खेलते हुए अंगिरा मुनि के आश्रम में आकर एक सुंदर रूप युक्त तथा चंचल नेत्री वाली स्त्री को देखा। उसे देखकर मुनि पूछा कि आपके स्थान में यह दिव्य रूप धारणी स्त्री कौन है। मुनि ने चोल देवी का समस्त हाल बताकर राजा के हाथों सौंप दिया। तब राजा चोल देवी के साथ नगर में आकर चिल तथा चोल देवी के साथ अनेक भोगों को भोगने लगा। वह नूतन ब्राह्मण बटु महालक्ष्मी के व्रत प्रभाव से बृहस्पति की भांति राजा मंगल का मंत्री हुआ। वह राजा के पृथ्वी के समस्त सुखों को भोग कर अंत में आकाश में जाकर विष्णु दैवत्य नामक श्रवण नक्षत्र बनकर स्थित हुआ। नाथ जी बोले कि हे इंद्र, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा, जिसकी कथा मात्र सुनने से मनवांछित फल प्राप्त हो जाता है। जैसे तीर्थों में प्रयाग, देवताओं में विष्णु और नदियों में गंगा पुनीत मानी जाती है, उसी भांति यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। हे इंद्र, धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष को यदि तुम चाहो तो श्रद्धा पूर्वक होकर इस उत्तम व्रत को करो। इसे करने से महालक्ष्मी धन धान पृथ्वी धर्म कृति आयु यश श्री घोड़े हाथी और पुत्र पुत्र आदि सब कुछ देती है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे युधिष्ठिर जी, नारद जी द्वारा कहा गया यह व्रत देवराज इंद्र ने किया। इसी व्रत के प्रभाव से इंद्र को मनवांछित फल मिला। आप भी इस व्रत को करें तो मनवांछित फल की प्राप्ति और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होगी। यह कथा श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर के प्रति कही थी। मैं आप लोगों से फिर कहता हूँ, अपनी अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए यह व्रत सबको करना चाहिए। इसे करने से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जय महालक्ष्मी, सभी की मनोकामना पूर्ण करो। इस प्रकार भविष्योत्तर पुराण में कही गई महालक्ष्मी व्रत कथा संपूर्ण हुई। जय महालक्ष्मी, जय माता दी, नमस्ते।